कबीर साहब कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख, मांगन से मरण भला, यह सतगुरु का सीख। हम लोगों को हरदम आनंद में रहना चाहिए। जो परमात्मा दिया है, बहुत दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो, बहुत धन्यवाद। ज्यादा की आकांक्षा किया, जितना हमको जरूरत होगा दे देगा। फिर वह सिद्धि देकर मित्र चला गया। अपने पति को बुलाकर कही कि अभी हम पहला चीज क्या मांगे, आपका बड़ा भाई है ना, बड़ा बनता है, उसके बैंक में कितना पैसा है? 10 लाख। चलो मैं इस सिद्धि से मांग रहे हैं कि हमको 15 लाख रुपया दे दे। 15 लाख रुपया उनसे ज्यादा आ गया, डेढ़ा आ गया ना। 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे बड़े भाई को, हम बड़ा कि तुम बड़ा। कहा कर रे यार, बड़ा भाई तो बड़े ना है रे पागल। कहा बड़ा कैसे है, हमें दाम ज्यादा बड़ा होगा तो हम बड़े हो जाएंगे। ठीक है, पतिदेव कहे कि तुम ही जो करना है कर, हम केवल देखेंगे तुम्हारी हरकत। तुम लोग के सामने भी यही परिस्थिति रही होगी। बस एक मिनट में 15 लाख आ गया सामने, बहुत खुश हुआ। दूसरे मिनट में घर पर कोई बाहर खटखटाया कि वहां क्या बात है, तुम्हारा एक लौटा लड़का मिलिट्री में था? जी हाँ, वह पाकिस्तान से गोला बरसा है, उसमें मर गया, उसकी डेड बॉडी आई, और उसी का जो है 15 लाख रुपया आया है एवेज में, उसका 15 लाख रुपया आया। कपार पिटने लगी। पिटेगी ना, अब 15 लाख रुपया लेके डेड बॉडी ले क्या ले? फिर कहीं कोई बात नहीं, अपने पति से कही तुम्हारे ऐसे पागल थोड़े हैं, घबराओ मत, अभी 2 वरदान है ना। कहा दूसरे वरदान से मरी कि हमारा लड़का जी जाए, वापस आ जाए। तब बड्डी तो छिन्न बिछिन्न हो गई है। वह प्रेतात्मा, उसका लड़का का आत्मा आकर बोला, मां मां प्रणाम। आकर तुम जी कर उठा नहीं? कहा कि शरीर तो मेरा कोई काम का नहीं है मां, तुम बुलाई मैं आ गया, कहाँ है दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं प्रेत शरीर में न हूं, प्रेत प्रेत प्रेत। अब प्रेत सुनकर नाम कांपने लगी, कहे हे भगवान, ये तो बड़ा आफत हुआ, ये प्रेत कहाँ पीछे पड़ गया। अब फिर वह प्रार्थना की, चलो अभी एक अभी वरदान है ना। फिर वह कह दे कि हे भगवान वरदानी, यह प्रेत हमसे सदा के लिए दूर हो जाए, सदा के लिए दूर हो जाए, सदा के लिए प्रेत दूर हो गया, 15 लाख रुपया भी चला गया। फायदा हुआ कि घटा हुआ? बोलो। आपन सोचा दूर है हरि सोचा तत्काल, बलि ने चाह स्वर को हरि ने पठवा पाता।